गाइस पवन हेयर एंड वेलकम टू बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर एक न्यू ब्रांडेड वीडियो के साथ। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं फिर से एक बार एयूप्लेट टेम्पलेट पर। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक नहीं की तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि गाइस इस वीडियो में एक ऐसा टेम्पलेट लेके आए हैं जो हमारे चैनल की सबसे पॉपुलर वीडियो थी, जिसमें मोस्ट पब्लिक वॉच टाइम था गाइस वो 3 करोड़ था। तो गाइस इस वीडियो का जो टेम्पलेट है वो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। तो गाइस इस वीडियो हम ये टेम्पलेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। सो गाइस लेट्स बिगिन स्टार्टेड टुडे न्यू वीडियोज। सो गाइस इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको एप्लीकेशन की जरूरत होगी। एप्लीकेशन का नाम है एयूप्लेट। ये आपको इजीली गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस जब आप एयूप्लेट एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। सो गाइस सबसे पहले आपको पेंसिल के सामने जो बॉक्स आइकन है उस पर क्लिक कर देना है। नीचे को स्क्रॉल करते हुए गाइस आपको लोड फ्रॉम फाइल पर क्लिक कर देना है और यहाँ से गाइस आपको टेम्पलेट के विजुलाइजर को सिलेक्ट कर लेना है। आज के टेम्पलेट का नाम है विजुलाइजर 16। तो गाइस हम विजुलाइजर यानी टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर गाइस आपको बॉक्स के लास्ट आइकन पर क्लिक कर देना और इजिली बैक आ जाना है। अब आपको गाइस बॉक्स के सामने जो पेंसिल आइकन है उस पर क्लिक कर देना है और सबसे पहले गाइस आपको बैकग्राउंड इमेज पर क्लिक कर देना है। जर्नल पर क्लिक करके इमेज को विजिबल कर देना, जर्नल को आप साइड इन कर देना और इमेज पर क्लिक कर देना, कस्टमर इमेज पर क्लिक कर देना, नीचे को स्क्रॉल करते हुए पिक इमेज पर क्लिक कर देना है और यहाँ से गाइस आपको बैकग्राउंड की इमेज सेलेक्ट कर लेनी है अपनी चॉइस के हिसाब से। जिस इमेज पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं उस इमेज को गाइस आपको सिलेक्ट कर लेना। तो हम गाइस इमेज को इजीली सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको इमेज शो होने लग जाएगी। फिर गाइस आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस आपको नेक्स्ट ब्लर इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, अपरेंस पर क्लिक कर देना है और नीचे को रिस्टोर करते हैं आपको दो और ऑप्शन शो होंगे, शो अनब्लर कॉन्टेक्स्ट, शो अनब्लर कॉन्टेक्स्ट अंडर। ये गाइस दोनों ऑप्शन अनचेक है, सिंपली आपको उसको चेक इन कर लेना है। फिर गाइस आपको इजीली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस आपको नेक्स्ट इमेज दिल के पास टेक्स्ट इस पर क्लिक कर देना है, जनरल पर क्लिक करके इसको विजिबल कर देना है, जनरल को आप साइड इन करना, इमेज पर क्लिक कर देना, कस्टमर इमेज पर क्लिक कर देना, नीचे को स्क्रॉल करते हुए पिक इमेज पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर गाइस आपको जो ये दिल के पास वाली टेक्स्ट पीएनजी शो हो रही है उसको गाइस आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। फिर गाइस आपको इजीली बैक आ जाना। बैक आने के बाद गाइस आपको नेक्स्ट इमेज हार्ट लव पीएनजी है उस पर क्लिक कर देना है, जनरल पर क्लिक करके इसको विजिबल कर देना है, जनरल को आप साइड इन कर देना, इमेज पर क्लिक कर देना है, कस्टमर इमेज पर क्लिक कर देना, नीचे को स्क्रॉल करते पिक इमेज पर क्लिक कर देना और यहाँ पर गाइस आपको जो व्हाइट डबल हार्ट है वो गाइस आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस सभी की पीएनजी की लिंक आपको गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से गाइस आपको इजीली डाउनलोड कर लेना है। फिर गाइस आपको इजीली बैक आ जाना है। नेक्स्ट गाइस आपको इमेज व्हाइट लाइन है उस पर क्लिक कर देना है, जनरल पर क्लिक करके इसको विजिबल कर देना है, जनरल को आप साइड इन कर देना और सबसे लास्ट में जनरेट एल्बम आर्ट पर क्लिक कर देना है। नीचे को स्क्रॉल करते हैं आपको थर्ड नंबर ऑप्शन होगा जनरेट एल्बम आर्ट हिंट फॉर जेन, सिंपली आपको उसको अनचेक कर देना है। फिर गाइस आपको इजीली बैक आ जाना। बैक आने के बाद गाइस आपको नेक्स्ट इमेज रेड लाइन पर क्लिक कर देना है, जनरल पर क्लिक करके इसको विजिबल कर देना है, जनरल को आप साइड इन कर देना है और सबसे लास्ट में जनरेट एल्बम आर्ट पर क्लिक कर देना है।
नीचे को स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आपको थर्ड नंबर ऑप्शन जो होगा जनरेट एल्बम आर्ट हिंट फॉर जेन, ये गाइस ऑप्शन चेक इन है, सिंपली आपको उसको अनचेक कर देना है। फिर गाइस आपको इजीली बैग आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस आपको नेक्स्ट बार्स पर क्लिक कर देना है, जनरल पर क्लिक करके इसको भी विजिबल कर देना है, जनरल को आप साइड इन कर देना है और बिहेवियर पर क्लिक कर देना है। नीचे को स्क्रॉल करते हैं, आपको सबसे लास्ट में ऑडियो प्रोडक्ट इंडेक्स है, इस पर क्लिक कर देना है। इसकी गाइस पोजीशन 3 है, सिंपली आपको उसको 1 कर देना है। फिर गाइस आपको इजिली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस आपको नेक्स्ट बार 2 पर क्लिक कर देना है, जनरल पर क्लिक करके इसको विजिबल कर देना है, जनरल को आप साइड इन कर देना है और बिहेवियर पर क्लिक कर देना है। नीचे को स्क्रॉल करते हैं, सबसे लास्ट में ऑडियो प्रोडक्ट इंडेक्स है, उस पर क्लिक कर देना है। इसकी गाइस पोजीशन 3 है, सिंपली गाइस उसको आपको 1 कर देना है। फिर गाइस आपको इजिली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस आपको नेक्स्ट कंपोजिशन 1 पर जो इमेज है उस पर क्लिक कर देना है, जनरल पर क्लिक करके इसको विजिबल कर देना है, जनरल को आप साइड इन करना, इमेज पर क्लिक कर देना, कस्टमर इमेज पर क्लिक कर देना। नीचे को स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर गाइस आपको 6 नंबर जो बलर क्राइल टाइप का कुछ इफेक्ट है उस पर गाइस आपको क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर गाइस आपको इजीली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस आपको कंपोजिशन पर जो इमेज 2 है उस पर क्लिक कर देना है, जनरल पर क्लिक करके इसको विजिबल कर देना है, जनरल को वापस हाइड इन करना, इमेज पर क्लिक कर देना, कस्टमर इमेज पर क्लिक कर देना। वापस गाइस आपको वही 6 नंबर जो बलर टाइप का क्राइल व्हाइट इफेक्ट है उस पर गाइस आपको क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर गाइस आपको इजीली बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस आपको नेक्स्ट पार्टिकल पर क्लिक कर देना है, जनरल पर क्लिक करके इसको विजिबल कर देना है, जनरल को वापस हाइड इन करना और बैक आ जाना है। फिर गाइस आपको नेक्स्ट पार्टिकल पर क्लिक कर देना है, जनरल पर क्लिक करके इसको विजिबल कर देना है, जनरल को वापस हाइड इन कर देना और बैक आ जाना है। फिर गाइस आपको टेक्स्ट चैनल नाम है उस पर क्लिक कर देना है, जनरल पर क्लिक करके इसको विजिबल कर देना है, जनरल को वापस हाइड इन कर देना है। अपीयरेंस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहां पर टेक्स्ट के सामने एग्जैक्ट लिखा रहा है यूट्यूब रिमिक्स डीजे म्यूजिक सीरीज, उस पर गाइस आपको क्लिक कर देना है। यहां पर गाइस जो मेरे चैनल का नाम है, यहां पर गाइस आप अपने चैनल का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर गाइस आपको इजीली बैक आ जाना है। तो गाइस आपका टेम्पलेट बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप प्ले करके इसको देख सकते हैं। फिर गाइस आपको सॉन्ग सिलेक्ट कर लेना है। सॉन्ग सिलेक्ट करने के लिए गाइस आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है, लाइब्रेरी पर क्लिक करके गाइस अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी सॉन्ग सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर गाइस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको पेंसिल के सामने जो बॉक्स डाउनलोड बटन वाला है उस पर गाइस आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर गाइस आपको अपने फाइल का नाम दे देना है, चूज़ प्रीसेट पर क्लिक करके गाइस, और यहाँ पर गाइस आप प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर गाइस आप हाई लेवल में वीडियो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो 180 पिक्सल के साथ वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर गाइस आप लो लेवल में वीडियो एक्सपोर्ट करना कम एमबी में तो गाइस आप 1720 पिक्सल के साथ वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइस हम रेजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर गाइस आपको वीडियो कोड प्रोफाइल है वो बेसलाइन रख देना है। नीचे को रिस्टोर करते हैं गाइस, यहां पर आपको वीडियो की हेड है गाइस वो आपको 11920 रख देनी है, और वीडियो की हाइट है गाइस वो आपको 118 रख देनी है, फ्रेम रेट है गाइस 216 रख देनी है, और यहां पर गाइस आपको इजीली हाइड एप्लोग पर क्लिक कर देना है। अगर गाइस आप वीडियो कंप्लीटली एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक कर देना, और अगर गाइस आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट प्रीव्यू पर क्लिक कर देना, या आपको इजीली आपके मोबाइल स्टोर में गाइस मिल जाएगा। सो आई होप गाइस आज की वीडियो आप सभी को काफी पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास वाला जो नोटिफिकेशन बेल है उसको याद करके ऑन कर लेना, ताकि आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं और क्या हमें वीडियो में इम्प्रूव करना चाहिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है वो सभी लिख कर गाइस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अपना बेस्ट ओपिनियन गाइस हमें जरूर दें। तो गाइस मिलते हैं किसी एक ऐसे शानदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।